स्टार्ट में मैंने प्रोडक्ट लो इन 1869 मैंने से पब्लिश ये एट वर्टिकल कॉलम ग्रुप और एक साथ आ गया ऊपर से ये बोर्ड है यार मेरा तो मुझे दो रहा है कवर्ड एटम इज डाइफोडोमा ग्रीक वर्ड एंड एटोमस मींस इंडिविजिबल व्हिच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द ग्रीक। चलो भाई ये तो हो गया, ये वाला हो गया, अब ये बाकी है, तो कॉपी बाकी है, ये बाकी है और ये बाकी है। देख यार देख इस तरह से मेरे को याद नहीं होने वाला, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पूरा फिक्स अपना माइंड सेट कर लेता हूँ कि मेरे को ये याद हो गया ये याद नहीं हो गया। देखिए अब जैसे मुझे इस्लाम में याद हो गया है, केमिस्ट्री याद हो गया है, केमिस्ट्री में चेटिंग वेटिंग कर लूँगा, रटा वटा मार लूँगा और फिर इसमें भी छपाई कर लूँगा। बाकी उर्दू मेरे को कम्प्लीट हो चुका है और इंग्लिश इंग्लिश भी मेरा कम्प्लीट हो गया है, अब क्या बाकी क्या है। हामिद अब सो जाओ, रात थक गए होगे, रात के 4 बज गए हैं। भाई 4 बजे 5 बजे मेरे को याद करना है केमिस्ट्री है, याद ही नहीं हो रहा है, कब से बोल रहा हूँ, कभी केमिस्ट्री मुझे आसान लगता है कभी मुश्किल लगता है यार, समझ ही नहीं आ रहा है। बस मैं सो रहा हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा मेरे को। याद नहीं ये सुबह पढ़ लेता हूँ। सर हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो, मेहमान करदान साहिबान, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस सर आज की वीडियो के अंदर ना बहुत कुछ करने वाले हैं, चूंकि पेपर के दौरान इतना साला पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया था और 3 या 4 बजे तक बैठ के मैं पागल हो गया था। तो मैंने सोचा कि जैसे ही पेपर खत्म होंगे ना मैं अपने पूरे 18 दिन के बदला लूंगा, यानी कि पूरे 18 डे मैंने पढ़ा है और हर चीज का मैं हिसाब इससे लूंगा, सही है। तो मैंने सोच लिया कि मैं अब डेली व्लॉगिंग करके इस चैनल को मैं यहाँ से उठा के वहां पर पहुंच दूंगा। तो बिना किसी छेड़छाड़ी के हम वीडियो को शुरू कर दें। पेपर्स के दौरान बंदा पागल हो जाता है, क्योंकि अब जैसे ही खत्म हुए पेपर तो खुशियां मान लग जाता है। अब बिफोर एंड आफ्टर तो आपको पता है कैसा सिस्टम होता है एग्जाम्स का, सही है। अब एग्जाम्स के अंदर ना पेपर्स होते हैं मुश्किल, क्योंकि 9 और 10 के जो पेपर होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं और ये करना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। सबसे ज्यादा हार्ड जो बच्चों को लगते हैं ना सब्जेक्ट वो होते हैं मैथ केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 चीजें हैं जो हर किसी की फाड़ देते हैं, क्योंकि बच्चे का माइंड सेट बना हुआ होता है कि यार अब ये SST है साइंस है और जो आम जो होते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट्स, लेकिन 9 और 10 के अंदर एक चीज़ आ जाती है अवेलेबल जो बच्चों को करनी पड़ती है किसी भी हालत में, वो चीज़ होती है कि केमिस्ट्री फिजिक्स और एक जो करते हैं ना जैसे कॉमर्स बायोलॉजी आर्ट्स ये सब चीज़ें वगैरह, लेकिन जो असल चीज़ होती है फिजिक्स केमिस्ट्री, सही है, जो कि मैंने लिया था और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बन गया था, जो कि इनके जो फॉर्मूलाज है ओहो दिमाग में आते ही नहीं थे। ये 3 चीज़ें अवेलेबल होती थी फिजिक्स केमिस्ट्री और हाँ 10 के अंदर तो पाकिस्तान स्टडीज। हर बच्चे का एक ख्वाब होता है और वो है बाइक की चाबी, यानी कि माँ बाप कहते हैं, माँ बाप की एक होती है क्या बोलते हैं यार, चलो छोटो भी बोलते हैं, माँ बाप की रिक्वेस्ट होती है कि बंदा मेरा बेटा जब 10 और 9 10 पढ़ लेगा उसके बाद ही मैं इसे चाबी दूंगी। लेकिन अब जो 9 10 में बेचारा फेल हो गया तो उसके तो फिर समझो फिर कभी जिंदगी में तो उसको बाइक मिलने वाली नहीं है, तो लेट्स गो दूसरी डोर चलते हैं। और हम जैसे बच्चों के लिए तो यही होता है कि यार अब मैट्रिक हो गया इसमें मतलब पेपर खत्म हो गया तो अब या तो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो या तो शूटिंग कर दो या तो कुछ भी व्हाटएवर यू वांट आप कुछ जो जिससे वो कर सकते हो। अब मेरा तो जो कुछ ये था कि भाई आप पेपर से फौरन बात ना हम लोग स्टार्ट कर दें व्लॉगिंग, वो भी डेली व्लॉगिंग, यानी बाइक भी आ जाए और यूट्यूब भी हमारे हाथ में आ जाए। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड माफ करना है छोटी वीडियो थी और बहुत सस्ती वीडियो थी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू लव यू ऑल। सो गाइस फाइनली आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये बेसिकली मैंने उनके लिए बनाई है जो लोगों की शिकवा होती है ना शिकायत होती है पेपर्स के बाद, तो भाई ट्यूशन सब स्टार्ट हो गया हमारा तो सही है, और सोचा है कि डेली व्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेली व्लॉगिंग इंशाल्लाह, सही है मैं भी हाँ। तो अल्लाह हाफिज़ जो तेरे बाय बेटा।